हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है। और टैली प्राइम में क्या खास है आज ये बताता हूँ आपको। डेट चेंज करने में, पीरियड चेंज करने में बहुत प्रॉब्लम आती होगी। शायद अगर आप बिगिनर हैं तो ऐसे दिक्कत आपको आती होगी। जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी भी वाउचर में एंट्री पास करने जाते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए आप सेल्स में एंट्री पास करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि आप एंट्री नहीं पास कर पाते हैं या शायद पीरियड ना चेंज कर पाते हो। तो पीरियड चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, ऑल्ट के साथ F2 करना है, ठीक है। तो ऑल्ट के साथ F2 करेंगे तो यहाँ पे पीरियड चेंज कर पाएंगे। जैसे 1/4/2023 है, आपको फाइनेंशियल ईयर चेंज करने में भी दिक्कत आती है तो सेम वे आप फॉलो कीजिए। जैसे मान लीजिए हमें पीछे जाना है, 1 ईयर पीछे जाना है या 1 ईयर आगे आना है, तो यहाँ पर 24/25 करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए 1/4/2024 से लेकर 1/4/2024 कर दिया और यहाँ पे 31/3/2025, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप पीरियड चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब पीरियड चेंज हो चुका है, भले ही आपको यहाँ पर 31 मई दिखाई दे रहा है, तो ये डेट आपको चेंज करनी होगी। तो डेट चेंज करने के लिए एक शॉर्टकट की अलग होती है और पीरियड चेंज करने की शॉर्टकट की अलग होती है। तो डेट के लिए F2 करेंगे, सकते हैं, अबव तो नहीं जा सकते लेकिन 24 तो कर सकते हैं ना। तो 1/4/2024 करेंगे और ये देखिए ये डेट आपकी चेंज हो जाएगी, 1 अप्रैल 2024 हो गई। तो ये इस तरीके से आप डेट भी चेंज कर लेंगे और पीरियड भी चेंज कर सकते हैं टैली में बहुत ही आसानी के साथ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, ठीक है।